परमात्मा महावीर का निर्वाण कल्याण, गुरु गौतम के केवल ज्ञान कल्याणक से शुरू होने वाला नूतन वर्ष। दीपावली भी अद्भुत है, नया साल भी अद्भुत है, लेकिन जब जब नया साल आता है तो आज के समय में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भगवान कौन सा नया साल हम मनाएं, कौन सा नया साल हम माने, कौन से नए साल के हिसाब से हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, कौन सा नया साल हमारे लिए उपयुक्त है, कौन सा नया साल हमारे लिए योग्य है। यदि हम जैन धर्म से अवलंबित है, यदि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो कौन सा नया साल हमें मानना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो संसार में भी तीन तरह के नए साल चल रहे हैं। सबसे पहले नंबर में कार्तक शुक्ल प्रतिपदा, यानी कि कार्तक सुदि एकम, अद्भुत गुरु गौतम के केवल ज्ञान से शुरू होने वाला यह नया साल है। जिन शासन के प्रति अनेकों वर्षों से ये आराधना साधना बताने वाला नया साल है, यह आराधना साधना का पर्व अद्भुत नया साल है। प्रातः वेला के समय में सूर्य उदय होता है, गुरु गौतम को याद किया जाता है, गुरु गौतम का स्मरण किया जाता है, और उसके बाद वे गुरुदेव के मुख से मंगलाचरण मंगल पाठ सुन के हमारे नए साल का शुभारंभ होता है। ये कार्तक शुक्ल एकम हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः वापस अयोध्या आए तो वो दिन दीपावली का था, और पूरे अयोध्या ने साथ में मिलकर के दीप जलाए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। और दूसरे दिन कार्तक शुद्ध एकम से उन्होंने राज्य सिंहासन संभाला, अपने राज्य सिंहासन पर बैठे, अपनी गद्दी संभाली और अयोध्या का पुनः राजकाज शुरू किया। इसलिए हिंदू धर्म में भी ये कार्तक शुक्ल एकम का बड़ा ही महत्व। गजब की ताकत है नए साल में। दूसरे नंबर में जो नया साल चलता है वो चैत्र शुद्ध एकम का चलता है, गुड़ी पड़वा जिसको कहते हैं। महाराष्ट्र आदि जो विदर्भ कोंकण वो सब जो प्रदेश है वहां पे चैत्र शुक्ल एकम को नया साल माना जाता है। ज्योतिष के हिसाब से मान लिया जाए, पंचांग के हिसाब से देख लिया जाए, गणित के हिसाब से देख लिया जाए, तो चैत्र महीने में आने वाला नया साल वो नया साल माना जाता है। ज्योतिष शास्त्री जितने भी है संसार में वो चैत्र शुद्ध एकम को नया साल मानते हैं, क्योंकि सूर्य पहली राशि में आता है, मेष राशि में आता है। 12 राशि में पहली राशि मेष है, और सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है वो चैत्र महीने के आसपास में, आप जब भी पंचांग उठा करके देख लीजिएगा, सूर्य मेष राशि में तब आएगा जब चैत्र महीना हो, और वो महीना जो तिथि से शुरू होता हो। इसलिए ज्योतिष शास्त्री ये मानते हैं कि चैत्र शुद्ध एकम नया साल है। महाराष्ट्रीयन लोग ये मानते हैं, कोंकण वाले लोग ये मानते हैं, विदर्भ वाले लोग ये मानते हैं कि चैत्र शुद्ध एकम नया साल है। और तीसरा नया साल जो भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है, कौन सा? कौन सा? 1 जनवरी। आज के युवक युवतियां बड़े कंफ्यूज है, महाराज जी हम कौन सा नया साल मनाएं? कार्तक शुद्ध एकम भी नया साल माना जाता है, चैत्र शुद्ध एकम भी नया साल माना जाता है, 1 जनवरी भी नया साल माना जाता है। हमारे लिए कौन सा उपयुक्त है, हमारे लिए कौन सा योग्य है, हमें कौन सा मनाना चाहिए? कार्तक शुद्ध एकम, चैत्र शुद्ध एकम और 1 जनवरी, आपको पता ना हो तो बता दो। जो संसार में जितने भी लोग 1 जनवरी को नया साल मना रहे हैं उनको कैलेंडर का इतिहास पता नहीं, क्योंकि सूर्य की जो गणना है, चंद्र की जो गणना है, जिसके हिसाब से उन्होंने अपना कैलेंडर बिठाया है, वो ज्ञान भारत के अलावा संसार में किसी के पास नहीं था। और इसीलिए उनका नया साल हमारे लिए क्यों योग्य नहीं है, क्योंकि वहां पे हर 200-300-400 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। आज जो अभी जनवरी फरवरी महीने चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं 1500 ईस्वी सन में 10 महीने ही होते थे, 12 महीने नहीं होते थे, 10 महीने होते थे और 355 दिन का एक साल होता था। 10 महीने और 355 दिन का एक साल होता था, लीप ईयर होता नहीं था। फरवरी में जो 29 तारीख 4 साल में एक बार आती है वो होती नहीं थी। उन्होंने संशोधित किया,
उन्होंने अपने ज्योतिष को देखा, अपने पंचांगों को देखा, भारत आकर के संशोधन किया, रिसर्च किया, और तब जाके उनको लगा कि नहीं, हमारी गिनती में कहीं ना कहीं गलती है, हम सूर्य की गति के साथ में मैच नहीं कर पा रहे। इसलिए ईस्वी सन 1550 आसपास में वहां के कोई सम्राट ने यहाँ आदमी भेजे, अपने विद्वानों को भेजे, संशोधन करा, और संशोधन करके ये उन्होंने साबित किया कि 10 महीने नहीं 12 महीने होने चाहिए, क्योंकि भारत में 12 महीने चलते हैं। उनके पास पुरानी परंपरा है, 12 महीने का वर्ष होता है, इसलिए उन्होंने 10 के 12 महीने बनाए और 355 दिन के 365 दिन बनाए। उनके पास खुद का कोई ज्ञान थोड़ी ना है, उनके पास खुद का कुछ नहीं है, जो है यहां से लेकर के गए हैं, यहां से सीख करके गए हैं, और 1 जनवरी के दिन आदमी नया साल मनाता है। देखना डिफरेंस कितना, हम पूजा करके नया साल का शुभारंभ करते, वो पार्टी करके नया साल का शुभारंभ करते। हमारा नया साल पूजा होके शुरू होता है, सुबह सुबह प्रातः वेला में सब आनंदित होकर के, उत्साहित होकर के जिन मंदिर जाते, कोई हिंदू मंदिर जाते, जिनाले जाते, भगवान के दर्शन करते, पूजा पाठ करते, संतों के आशीर्वाद लेते हैं, तब जाके हमारा नया साल शुरू होता है। हम उगते सूर्य की पूजा करते, वो डूबते सूरज की पूजा करते, उनको तो रात को 12 बजे नया साल मनाना होता है, और वो भी कोई अच्छे कर्म करके थोड़ी मनाते हैं। अब क्या क्या करके मनाते मैं बोल नहीं सकता। समझिएगा कि हमारा नया साल कौन सा, यदि हम हिंदू है, हम जैन है, हम भारतीय है, हम संस्कृति प्रेमी है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नया साल कार्तक शुक्ल प्रतिपदा है, कार्तक शुद्ध एकम का है, जहां पूजा करके परमात्मा की नया साल का शुभारंभ होता है, जहां शुभ ऊर्जा के साथ, शुभ भावों के साथ आनंदित होकर के नए साल का शुभारंभ होता है। और देखिएगा प्राचीन भी हमारा है, क्योंकि इस विषय अभी कौन सी चल रही है, 2022 चल रही है, विक्रम संवत कौन सी चल रही है, 2078 या 79 ईस्वी सन चल रही है 2022 विक्रम संवत, जो विक्रम महाराजा के नाम से, यही एमपी के, यही मालवा के, और यही उज्जैनी के जो राजा थे, जैन धर्म के परम उपासक, परम श्रावक थे, और उनके नाम से आज पूरा भारत विक्रम संवत का शुभारंभ करता है, विक्रम संवत मनाना है। गुरु गौतम स्वामी जो करीबन 2500 साल पहले अद्भुत रूप से जिन शासन की प्रभावना करते करते केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किए, वो गुरु गौतम स्वामी को याद करके नया साल मनाया जाता है। और इसीलिए गुरु गौतम केवल ज्ञान को करीबन 2500 साल, महाराजा विक्रम को 2069 साल, और यीशु ख्रिस्त को 2022 साल। तो सबसे प्राचीन कौन सा हुआ भाई, गुरु गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से जो शुरू होता हो, 2500 साल से हमारी ये परंपरा है नूतन वर्ष मनाने की, कार्तक शुक्ल प्रतिपदा के दिन। और इसीलिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि समझ लीजिएगा, जीवन में हमारे संस्कृति, हमारे पर्व, हमारे त्योहारों को छोड़े नहीं, उसके मुताबिक ही हमारे पर्व मनने चाहिए, उससे मुताबिक ही हमें जीवन में पर्व मनाने हैं। ठीक है 1 जनवरी आती है, दुनिया मनाती है, लेकिन हमारे लिए तो मन से विश्वास हो, मन में श्रद्धा हो कि हमारे लिए नया साल तो कार्तक शुद्ध एकम ही है। और ऐसा नया साल जब कार्तक शुद्ध एकम का 26 तारीख के दिन आ रहा है, अद्भुत रूप से हमें मनाना है, आनंद उत्साह के साथ में, ऊर्जा के साथ में, उमंग के साथ में, गुरु भगवंत के स्वमुख से जहां जहां गुरु भगवंत का मंगलाचरण, मंगल पाठ सुनने मिले, आप जहां पहुंच सको पहुंचो और गुरु भगवंत के स्वमुख से मंगलाचरण, मंगल पाठ सुनो, और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि समझ लो बेटा 1 जनवरी ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो नया साल कौन सा है, कार्तक शुद्ध एकम। दीपावली के बाद का जो नया साल आता है वही हमारे लिए योग्य है, वही हमारी संस्कृति के मुताबिक है, और वही पर्व ऐसा है जो पूजा करके मनाया जाता है, क्योंकि हम तो परमात्मा के सेवक है, परमात्मा के शासन से है। पार्टी करके मनाया जाए वो साल हमारे लिए निरर्थक है, पूजा करके मनाया जाए वही साल हमारे लिए सार्थक है। और इसलिए संकल्प करिएगा कि चाहे कितने नए साल हो, लेकिन हमारे लिए नया साल तो कार्तक शुद्ध एकम ही रहेगा। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।